योगदान होतं। नाडीची चांगली बॅटिंग आणि गोलंदाजी आपण पाहिलेली आहे, खूप चांगली कामगिरी त्याने केली। नाडी अभिनंदन, सिद्धेश तुझंही मनापासून अभिनंदन। भागवत साहेब थँक्यू व्हेरी मच। सामना सुरू होते, सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे। फटका इथे चांगला आहे, क्या बात है, करेक्ट शॉट, चार धावा चौकार, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। डावखुऱ्या फलंदाजाचा एक शैलीदार फटका, एकेरी धाव घेतली जाईल। चेंडू स्टेअर केला गेलाय, एकेरीनं धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोहोचली ती एकूण आपण पाहू शकता पाच वरती। सामना अत्यंत महत्वाचा, मॅच क्रमांक 8, दत्तगुरु संतनगर आणि साईश 11। अबे चेंडू, ओ हो हो हो, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग तितकंसं चांगलं नव्हतं। बॅकफुटवरती या बेला बॅटिंग केली जाते, 3 चेंडूमध्ये 6 धाबा। गोलंदाजी मार्कवरती हर्ष दत्तगुरु आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय साईश 11। ओ मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, खरं तर चांगली बॅटिंग करतो बॅटर सिद्धांत, पण अधूनमधून संयमाचा बांध त्याचा तुटतो, हे आपण मगाशी पण बघितलेलं आहे। आता चौका तुटवला, त्यानंतर एक चेंडू चांगला खेळला, त्यानंतर आता सिंगल घेणं फार गरजेचं आहे, कारण इथे तुम्ही 5 सिंगल घेतले तर धावपळकर धावा 9 होतील, त्यामुळे इथे सेन्सिबल क्रिकेट खेळणं फार गरजेचं आहे। सभापती चषक 2024 पे सभी का स्वागत है, बहुत ही इम्पॉर्टंट मुकाबला। स्कोर अगर देखे तो रन संख्या 7 रन, पहले ओवर का खेल। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से चतुराई के साथ गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, और पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में स्कोर कुल मिलाकर 8 रन। आइए डीजे मास्टर धनंजय हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या बात है, मावरा ताजा है, बर्फातला नाही, गाणी काय येतील काय सांगू शकत नाही। वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी येत आहेत। बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला गेलाय मैदानावरती, आणि पहिल्यांदा मी असं बघतोय की दुसऱ्या षटकात बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला गेला। आतापर्यंत प्रत्येक वेळेला तिसऱ्या षटकामध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला गेला, परंतु हा वेगळा निर्णय साईशच्या बॅटरकडून। सिद्धांत आणि परेश ऑन स्ट्राईक, आणि पावतचं हे षटक आहे। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल मकरन, फक्त जास्त वेळ घेऊ नका। यानंतर मॅच क्रमांक 9 वर्धविनायक आणि समर्थ बॉईज, आपण टॉससाठी सज्ज राहा, दोन्ही कॅप्टन या टॉससाठी, टॉस लगेच केला जाईल। राउंड विकेट गेंदबाजी मकरन द्वारा, सामना करेंगे परेश। और टिपा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले के बीच, कोई संपर्क नहीं, चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। बैकफुट पर इंतजार कर रहे थे, यह अच्छी गेंद थी गेंदबाज मकरन द्वारा, आगे रखा था आउट ऑफ द स्टंप, और बल्लेबाज को बैकफुट पर जाने का समय भी नहीं मिला। जब तक वो बल्ला नीचे लेके आते उससे पहले गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई थी। इस बार अपने ऑफ स्टंप को कवर किया और गेंद को जानी थी आप विकेट कीपर की तरफ, व्हाइट बॉल का इशारा, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, स्कोर 9 रन। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, टैप किया बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी क्रिकेट। गेंद को देखना, गेंद को परखना और शॉट खेलना बहुत जरूरी है। स्कोर डबल फिगर में 10 रन, 10 ऑन द बोर्ड, इंपॉर्टेंट मुकाबला। इस ओवर की बात करें तो 2 गेंदों का खेल हुआ है, वैसे 3 गेंदे हैं उसमें से 1 गेंद व्हाइट बॉल है। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर, खिलाड़ी तैनात है, तालमेल नहीं है, एक ही हो रही थी मांग, तालमेल के कमी कारण बल्लेबाज आउट या नॉट आउट, आउट या नॉट आउट, अब उंगली खड़ी होती हुई बल्लेबाज, बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं सिद्धांत। आज धनंजय बैलगाड्याची कुठली गाणी सोडणार नाही असे वाटते। सभापती चषक 2024 आपण या ठिकाणी पाहतोय, अत्यंत सुंदर असं आयोजन। क्रिकेटचं रंगमंच आहे, रंगात रंगूया या कोपरीच्या लाल मातीने, माणसाला माणूस आणि खेळाडू जोडूया। सभापती चषक 2024च्या साथीने अंडरआर्ममधील एक मानाची स्पर्धा कोपरीमध्ये सध्या रंगते। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मकरन, नवीन बॅटर साईल,
बॅकफुटवर जाऊन सुंदर पद्धतीने चेंडू कवरच्या दिशेने खेळलाय आणि आतापर्यंत एकूण आपण बघितलं चार चेंडूचा खेळ झालाय, दोन चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. हा पाचवा चेंडू पॉवर प्लेचा परिश्रम स्ट्राइक, तीन धावसंख्येवरती खेळतोय. बॅकफुटला चांगला फटका आहे, भरपूर वेळ मिळाली होती, क्रिसचा चांगला वापर आणि पाचव्या चेंडूवरती एकेरी धाव. धावपळकरती एकूण डाबा आहेत 12. चांगलं कमबॅक या मॅचमध्ये आपण पाहू शकता दत्तगुरु संतनगर संघाकडून. साई शाबा टीम बॅटिंग करत असताना क्लीन बोल्ड, फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गुल, गोलंदाजी पॉवरफुल, बॅट्समन साईल बॅक टू द पेबल अँड गॉन. वर्धविनायक आणि समर्थ बॉईज टॉससाठी या मंचावरती लगेच यायचं आहे. टॉससाठी समर्थ बॉईज 1-4-3-2 वर्धविनायक टॉससाठी यायचं आहे व्यासपीठावर. दोन षटकांचा खेळ, धावपळकावरती धावसंख्या आहे 1 डझन. धावपळकावरती 1 डझन धावा आणि 1 डझन चेंडू देखील टाकून झालेत. 12 चेंडूमध्ये 12, परंतु पहिल्या षटकात एकूण धावपळका धावा होते 8, तिथून या षटकात फक्त धावा आल्यात 4. अप्रतिम गोलंदाजी केले गोलंदाज मकरंद. मनीष आपल्या बॉलिंग बॉरवरती सज्ज असेल. धावपळका धावा 12. इथे तुमचं 12th man पण आहे, दोन्ही संघांचा 12th man आहे, त्यामुळे तुम्ही काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. एक स्कोरर या ठिकाणी आमच्या बरोबर आहे, ऑनलाईन स्कोरर पण आहेत, निशांत पाटील. निशांत पाटील यांना विनंती आपण मंचावरती या. निशांत पाटील राऊंड विकेट मारा आणि पहिला चेंडू ऑन साईडला खेळलाय. जास्त फ्लाईट होती. धावपळकरती एकूण डाबा आहेत 13. फिलहाल अगर देखो तो रनसंख्या 13 रन. ओवर तीसरा प्रगति पर है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए सुनील ऑन स्ट्राइक, यंग खिलाड़ी है. ओ फुल टॉस गेंदबाजी ज़्यादा आगे कर रहे हैं और इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 14 रन. इस मुकाबले में दत्तगुरु संतनगर ने कमबैक किया है. ये 8वां मुकाबला आज के दिन का. हर दिन में 15 मैचेस. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. परेश ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मतलब ये तीन खिलाड़ी काउ कॉर्नर. अच्छा स्ट्रोक, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया था फ्रंट फुट पर. एक रन लिया गया सिंगल के साथ. स्कोर आगे बढ़ता है, जा पहुंचा है 15 रन. देखिए अंडरआर्म क्रिकेट में बहुत सारे अलग अलग नियम होते हैं. आप ज़्यादा क्रीज के बाहर नहीं आ सकते, वो भी देखा जाएगा कि आपका पैर क्या वो बाहर निकल के आया है. पॉपिंग क्रीज देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें. बहुत इंटरेस्टिंग अंडरआर्म का क्रिकेट का खेल है. राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक, करेक्ट शॉट, सुंदर फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग बॉय. यहाँ बाउंड्री लाइन पर अपनी टीम के लिए कम से कम 3 रन बचाए हैं और गौरव खास करके इस बंदे का नाम है. स्कोर अगर देखे तो रन संख्या 16. ओवर तीसरा प्रगति पर है. अब अंपायर क्या चर्चा कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तीनों अंपायर बिल्कुल चर्चा तो कर रहे हैं. क्या गलती से मिस्टेक हुई है? बिल्कुल एक अलग नियम अंडरआर्म क्रिकेट में होते हैं. ड्राइव किया, इस बार रोकने की कोई कोशिश नहीं होगी क्योंकि गेंद जो है ना इस वक्त इस मिट्टी को आग लगाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए. थैंक यू हार्दिक. या ठिकाणी आपण मसूरकर साहेबांना विनंती करूया. आपल्या शुभस्ते टॉस केला जाईल. नेक्स्ट मॅचचा मॅच क्रमांक या बेला आपण पाहणार होतो 9. वर्धविनायक आणि समर्थ बॉईज 1-4-3-2 दोन्ही कॅप्टन सज्ज आहेत. हार्दिक त्या ठिकाणी आहेत. टॉस आपण लगेच करणार आहोत. धावपळकरती एकूण डाबा आहेत 21. ऐकूया मधुर संगीत आणि त्यानंतर टॉस का बॉस.
थैंक यू। निर्णय तिथेच घ्या, फक्त निर्णय घ्या, तिथेच तिथे तिथे निर्णय घ्या प्लीज। समर्थ बॉईज टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलाय निर्णय। तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर 21 धाबा, 7 ची सरासरी। पहिल्या षटकात 8 धाबा, निर्णायक षटकाचा खेळ मैदानावरती। शंभरचं षटक घेऊन गोलंदाजचा राऊंड विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज आहे। ऑफटॉमच्या बाहेरचा चेंडू या बेला पॉईंटच्या दिशेने खेळला। एकेरी धाव, एकेरी धावने धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोहोचली 22 वरती। पहिले मॅच में ट्वेल्थ पण बहुत खुश लग रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। इस मैच में देखिए एक ट्वेल्थ पण बहुत खुश लग रहा है, क्योंकि फोकस होना बहुत जरूरी है। स्कोर 22। अपनी बोलिंग मार्ग पर गेंद बात तैयार है। संकेत ऑफटॉम के बाहर गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 23 रन। ओवर निर्णायक है, 4 गेंदों का खेल आना बाकी। बल्लेबाज की बात करें तो परिश के ऊपर सबकी निगाहें, एक चौकी की मदद से अच्छी पारी अभी तक रही है। अच्छा फिनिश करना चाहेंगे, राउंड विकेट। संकेत स्ट्रोक, अच्छा सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, बेहतरीन बल्लेबाजी, सुंदर फील्डिंग। ओवरऑल अगर देखिए तो अच्छी क्रिकेट। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 24 पर। फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ा सा एक बार फिर नौता दिया गया था, एक दर्शनीय स्ट्रोक। टाइमिंग अच्छा था लेकिन प्लेसमेंट नहीं था, कैप नहीं ढूंढ पाए, कैप ढूंढना बहुत जरूरी। राउंड विकेट गेंदबाजी करे संकेत। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी हैं, बैक फुट चले गए, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। मौका दे रहे हैं सेठ बल्लेबाज परेश को बल्लेबाजी करने के लिए। सुनील, सुनील पहुंच चुके 4 पर स्कोर इसी के साथ 25-25 प्लस ऑफ 2 विकेट। सेठ बल्लेबाज है परेश, जिनकी आंखें जम चुकी हैं निर्णय ओवर में संकेत का सामना करने के लिए तैयार। नो बॉल हो सकता है, एम्पायर का क्या इशारा, और यहां एक बार फिर देखिए क्या हुआ। ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोए मोए भाई, गेंद को आपको जल्दी पकड़ना है, नहीं तो एक बार फिर परेशानी हो सकती है। स्कोर इसी के साथ 27-27। नो बॉल से ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी, एक अतिरिक्त रन भी आपके अपने अब अपने अपने टीम को जरूर दिया है। अपनी बोलिंग बात पर गेंद बात तैयार। शॉट अच्छा नहीं है, थ्रो करेंगे अंडर आर्म थ्रो, लेकिन बात नहीं बनेगी। समय मिला बल्लेबाज को, सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं है। स्कोर इसी के साथ 28। धीरे धीरे इस बार साईश की जो गाड़ी वो पटरी पर आई है, वो चाह रहे थे वो 30 का आंकड़ा। इंपॉर्टेंट गेंद, एक गेंद का खेल आना बाकी, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। इस बार की अगली गेंद सामना करेंगे परेश। संकेत की अगली गेंद स्टोक करने के, सुंदर टाइमिंग, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार गेंद ने किया पार बाउंड्री रोप्स, और बल्लेबाजी करने वाले टीम के बढ़ गए होप्स। 4 रन चौका। निशांत, निशांत आपलं स्वागत आहे। निशांत पाटील, निशांत जी आपलं स्वागत आहे। 19 धावपळकावरती 32 33 धावांचं आव्हान आहे। शेवटच्या चेंडूवरती एक खणखणीत चौकार परीक्षा बॅटमधनं, त्यानं धावा टोकल्यात 17 आणि सुनीलनं योग्य पद्धतीने त्याला साथ दिली, कारण एकेरी दुहेरी धावा त्या ठिकाणी महत्त्वाच्या होत्या। 5 धावांची खेळी, कारण पार्टनर देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे। राजाराम पाटील साहेबांना विनंती का, कारण आपण व्यासपीठावरती असतो तेव्हा फक्त समोर कोणी उभे राहू नका, इथे व्यासपीठा समोर कोणी उभे राहू नका प्लीज, विनंती आहे। राजाराम पाटील साहेबांना विनंती, आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। आता सध्या आयोजक या वेळेला व्यासपीठावरती आहेत, आपण त्यांना पाहू शकता। चला मॅच जास्त वेळ थांबू नका, मॅच क्रमांक 8, यानंतर अजूनही 7 सामने शिल्लक आहेत। ऐकूया मधुर गाणं आणि त्यानंतर मैदानावरती पाहूया दुसऱ्या इनिंगचा अद्भुत खेळ, दुसरा डाव।
गेंदबाजी का बागडोर संबंध में गेंदबाज अनिकेत सामना करेंगे मकरंद सूरज नॉस्टेक रेन पर। पहली गेंद पर कमाल का स्ट्रोक है, ईट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से, गेंद बॉडी लेने के बाद चार रन, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। धनंजय शुक्रिया, व्हाट अ शॉट, सेंसिबल। ये बलवान है, ये बुद्धिमान है, ये आगे खेल रहे, ये पीछे खेल रहे, ये दूधारी तलवार है। पहले जब इनके पाले में गेंद थी तब जाकर इन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेल दिया, उसके बाद में जब ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है तो पॉइंट क्षेत्र में स्कोर इसी के साथ पांच रन। शिवान स्पोर्ट से करता धरता या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित होतील, कारण मॅरेथॉनचा जो पुरस्कार आहे त्या स्पॉन्सर आहे शिवान स्पोर्ट। स्कोर पांच रन, स्कोर टोटल छह रन। ओहो बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी। एक गेम चेंजर खिलाड़ी है सूरज, अब स्ट्राइक रन की तरफ आएंगे। स्कोर सात रन, जवाबी हमला। जब पहली गेंद पर चौका मिलता है तो उस ओवर को आप बड़ा करेंगे। सुंदर स्ट्रोक बैकफुट पर जाके क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में और जगह बनती नहीं बनानी पड़ती है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, पहले पारी में पहला जो मैच था उसमें सूरज ने शानदार बल्लेबाजी की, गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। इनके टी शर्ट का रंग बदला है, गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, गेंद बॉडी लाइन के बाद चार रन, ब्यूटीफुल शॉट। तुझा माझा इश्काची अजून आहे चर्चा, तशी तू माझी हरची अन मी ग तुझा परशा, जाणून बुजून नाही ग तुला पळवलं मी घरचा, नाही तर कमी झाला असता बापाचा दर्जा। एवढा प्यार करस काय, मी नाही ठकव दिल घरी सुखी तुगरान, मनोर लाल इसकी कॉल कर देता, दिल घरी सुखी तुगरान। पहले ओवर के बाद रन संख्या 12 रन। शिवान स्पोर्ट मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर और पहले ओवर के बाद रन संख्या 12 रन। अभी देखिए आपके पास 18 गेंदों का खेल शेष है। बैकफुट चले गए, बैकफुट पंच, सूरज ये काबिले थे, गेंद को आखिर तक देखते हैं, पोजीशन में आते हैं, शरीर का अच्छा संतुलन बनाते हैं और गेंद को वह गैप में खेलते हैं। एक तरफ मकरंद का इंजिन बिल्कुल गर्म है, 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर 13। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल, अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा और गेंदबाज के हाथ सर के ऊपर चले गए हैं। सुधीर को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए, यंग खिलाड़ी है, नौजवान है और स्ट्राइक रन पर मकरंद। सिंगल लिया गया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बजा पहुंचा है 15 पर। पहले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चार के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से मकरंद के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। क्या बेहतरीन आगाज करके दिया है और ये तो एक करीबी मामला, आउट। गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, मकरंद गॉन, विकेट। याच दरम्यान यामला विरार क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव जितू क्षत्रिय यांचं शुभागमन झालेलं आहे आणि मला वाटतं आज ते देखील उत्सवमूर्ती आहेत, त्यांचा वाढदिवस आहे। त्याचबरोबर अध्यक्ष मारुती पेडामकर यांचं देखील शुभागमन झालंय, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। त्यानंतर राजेश जगताप उपसचिव यांचं देखील शुभागमन झालंय, असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी आहेत। एका चेंडूनंतर सामन्याचं चित्र कसं बदलतं मी विनंती करेन जितू क्षत्रिय, मला वाटतं तुमचा आज वाढदिवस आहे, बरोबर आहे? मी वाढदिवस आहे, आपल्याला विनंती आपण मंचावरती या। त्याचबरोबर मारुती संकटमोचक खेळाडू देखील आहेत आणि आता असोसिएशनचे अध्यक्ष, त्यानंतर राजेश जगताप यांचं देखील शुभागमन होते, सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि जितू क्षत्रिय यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। आई जगदंबा आई जीवदानी आपल्याला उदंड आयुष्य देव, मारुती तुमचंही हार्दिक स्वागत, असोसिएशन खूप चांगलं काम करते आहे, अत्यंत दर्जेदार स्पर्धा। अबे चेंडू आहे, चेंडूचा ओ झेल सुटलाय,
जेल सुटलंय. क्या छोटा सपना टूटा मुकद्दर रूटा, ये क्या छोटा है. स्कोर अगर देखिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 70 रन जीतने के लिए 33 रनों का लक्ष्य है. और अब आपके पास गेंदे शेष है 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत. इंटरेस्टिंग मैच, बैटिंग पावर पे लिया गया है और यहाँ मैच तो बिल्कुल ऑन रहेगा. धनंजय अमर साहब जुड़ेंगे गाने के साथ, वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी. 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत है. इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए और दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर. अभी ये आठवां मुकाबला दत्तगुरु संतरगर बनाम साहिशा, साहिशा 11 की टीम. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए संकेत इज प्लेइंग ऑन वन, सूरज प्लेइंग ऑन फोर, बैट्समैन आउट, मकरंद मेड 11 रन. रन आउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन चले गए और फाइन ग्लांस किया. आजकल इस तरह के स्ट्रोक कम देखे जाते हैं, तो बहुत अच्छा स्ट्रोक था. मौका दिया इस वक्त बल्लेबाज सूरज को, जो गेम चेंजर खेला. टी शर्ट का रंग बदला है और खेल का रंग, क्रिकेट का रंग बदलने वाले खिलाड़ी हैं, गेम चेंजर खिलाड़ी. अपनी बोलिंग मार पर गेंदबाज साहिल, शॉट तो अच्छा था, सुंदर फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग सिद्धांत द्वारा गेंद को रोका गया. पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक खेला गया था. अब जाकर आपके पास गेंदे शेष है कुल मिलाकर 10 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए और 14 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. अच्छा मुकाबला है. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए बस संकेत. सामना करेंगे गेंदबाज साहिल का. पावर प्ले ऑन. ओ क्या करना चाहते थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्या छोड़ना चाहते थे, क्या छोड़ना चाहते थे, क्या वो थोड़ा दुविधा थी. बिल्कुल उनको लगा कि गेंद उनके लेफ्ट स्टंप के ऊपर आएगी. उसके बाद में पता चला जब गेंद उनके बल्ले को लगी तो छोड़ना बहुत जरूरी था. छोड़ना, खेलना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तय करना बहुत जरूरी. अच्छा स्ट्रोक, करेक्ट शॉट, व्हाट अ शॉट, अलग द कारपेट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिला, बोकार जड़ दिया, शानदार चौका. क्षत्रिय जेतू क्षत्रिय जनसाज वाढदिवस है. क्लीन बॉल, गेंद बिल्कुल स्टंप के अंदर, बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन. सूरत की पारी समाप्त, मैच ऑन. ऑलराइट स्कोर 24 जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है. इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण, 7 गेंदों का खेल शेष है, 7 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है. मैच अभी भी बना हुआ दोनों तरफ है, लेकिन पैसा वसूल मैच है. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाएगी. विकेट प्राप्त किया गेंदबाज साहिल ने. साहिल राहिल नहीं तो सगळं जाईल. उर्वरित 7 चेंडू मध्ये 9 धावांची आवश्यकता. न्यू बॅटर गौरव आउट, गॉन. विकेट नंबर 2, साहिल ने विकेटला एक बार फिर चटकाया. 6 गेंदे और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है. इस कहानी में आया ट्विस्ट और ये पिक्चर है सुपर हिट. देवाचा आशीर्वाद त्याला, कोटी कसे खेळाडू भारी. लहान पोरांना वाटतो आपला, अशी आहे त्याची यारी. वेलकम बैक, सभी दर्शकों का क्रिकेट का स्वागत है. आप देख रहे सभापति चषक 2024. आपके पास गेंदे हैं 6, जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत. अमन अपने बोलिंग मार पर तैयार. नए बैटर अमित, एक गेंद पर गौरव. अच्छा स्ट्रोक और यहां खतरा है. बल्लेबाज अमित बैक टू द पवेलियन. पिछले 3 गेंदों में 2 क्लीन बोल्ड और 1 रन आउट. कहानी में ट्विस्ट, मैच में बदलाव, खेल का रंग बदला. डबल जीरो 27 गाड़ी त्याची फेमस सदा. 5 गेंदों का खेल जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है. बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संकेत.
जिनके ऊपर अब सबकी जिम्मेदारी। अच्छा स्ट्रोक, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार पूर, वंडरफुल बैटिंग, क्लासिकल बैटिंग। गेंद बॉर्डर के बाद चार रन। माउली चषक, चषक फेमस झाला, माउली चषक, चषक फेमस झाला। चार गेंदों का खेल, पांच रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। बैकफुट पर बहुत सुंदर तरीके से स्ट्रोक का खेला, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक ये गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया है। अब आपके पास तीन गेंदे हैं, चार रनों की जरूरत है। ओहो हो, जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है वो बहुत कमाल का होता है। अब जाकर देखे इस मुकाबले में दिल की धड़कने बहुत तेज। तीन गेंदे चार, इस बार अच्छा स्ट्रोक, सुंदर एक बार फील्डिंग, आउट। दो गेंदों का खेल, चार रनों की जरूरत है। इस कहानी में दोबारा पलटवार, मजा आ रहा है। विकेट गिरता हुआ, राजा राम पाटलाचा पाठिंबा आम्हाला लाभला, काटईचा संघ हा नवा रूपाला आला। माऊली चषक, चषक फेमस झाला, माऊली चषक, वेलकम बैक। सभी दर्शकों का राके नाइक का स्वागत है। क्या मुकाबला चल रहा है, दो गेंद और चार रनों की जरूरत है। अब कौन करेगा पलटवार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार। इस मैच में रोचकता है बरकरार और परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार। दो गेंदे चार, बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी कर रहे संकेत स्वरूप, नए बैटर नंबर छह पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अमन अपने पूरी मार पर तैयार। इस बार गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, विकेट के ऊपर ने क्या आदर किया। एक गेंद चार, ये दूसरा मुकाबला जो रोचक बिल्कुल बनता हुआ। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर है। एक गेंद चार, हीरो बनने का मौका अमर को, हीरो बनने का मौका बिल्कुल इस वक्त सौरभ को है, परेश को, संकेत को भी बिल्कुल था, लेकिन तारीफ कर दोगे अमर की, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। दत्त गुरु संत नगर बनाम साईशा, साईशा टीम ने शानदार प्रदर्शन इस मैच में, गेम चेंजर खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच मिस्टर, मैन ऑफ द मैच डीजे मास्टर। आइए तब तक यज्ञेश्वर पाटील सभापतीचा आहे आम्हाला आधार, नगर सेवक सदानंद दादा साथ त्याची ती खंबीर।